गलती तब तक गलती होती है जब तक उसका एहसास ना हो। एक बार एहसास हो जाए तो बड़ी से बड़ी गलती को भी सही दिशा देकर कैसे जिंदगी बदली जा सकती है, आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति द्वारा लिखी कहानी अ लाइफ अनरिटन में। ये कहानी सुधा मूर्ति के पिता श्री आर एच कुलकर्णी की जिंदगी में घटी सच्ची घटना है। युवा मेडिकल डॉक्टर आर एच कुलकर्णी की पोस्टिंग महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित एक छोटे से गांव चंदागढ़ में हुई, जहां साल के 8 महीने बारिश होती थी। उस दिन रात का खाना खाने के बाद डॉक्टर साहब किताब पढ़ रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन होगा, सोचते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा खोला। बाहर 4 आदमी खड़े थे, चारों ने ऊनी चीथड़े लपेट रखे थे, चारों के हाथों में छड़ियां भी थी। वो डॉक्टर साहब से बोले, अपना बैग ले लो, तुम्हें अभी तुरंत हमारे साथ चलना होगा। डॉक्टर साहब ने मना करते हुए कहा, क्लिनिक बंद हो चुका है, समय तो देखिए आप लोग। ये सुनते ही उनमें से एक ने डॉक्टर साहब को जोर का धक्का दिया और चिल्लाते हुए साथ चलने का फरमान जारी किया। डॉक्टर साहब ने चुपचाप बैग उठाया और डरते हुए उनके पीछे हो लिए। वो सब जाकर एक बैलगाड़ी में बैठ गए। घनघोर बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी। बची खुची हिम्मत जुटाकर डॉक्टर साहब ने पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कोई जवाब नहीं मिला। कुछ घंटों के सफर के बाद बैलगाड़ी रुक गई। लैंप की रोशनी में डॉक्टर साहब देख पा रहे थे कि चारों तरफ धान के खेत थे और उनके बीच में एक घर था। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक स्त्री की आवाज आई, डॉक्टर साहब इस कमरे में आइए, मरीज यहाँ है। डॉक्टर साहब कमरे में गए तो एक 16 साल की अनब्याही लड़की लेबर पेन से जूझ रही थी। उस लड़की के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। लड़की की हालत देखकर डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोले, मुझे डिलीवरी कराने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है और मैं एक पुरुष डॉक्टर हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, आपको किसी और को बुलाना होगा। लड़की के परिवार वाले बोले, बच्चा बचे या न बचे, ये काम आपको करना ही होगा, हम आपको अच्छा पैसा देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाने दीजिए। ये सुनते ही कुछ आदमी पास आए, डॉक्टर साहब को उन्होंने लड़की के कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर साहब बहुत घबरा गए, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। थी तो सामने एक बूढ़ी औरत जो गूंगी और बहरी लग रही थी, कमरे में कोई टेबल भी नहीं थी। इशारों से समझाते हुए डॉक्टर साहब ने उस बूढ़ी औरत से गर्म पानी मंगवाया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज किए, पास पड़े धान के बोरियों की गड्डी लगवाई और अपने बैग से एक रबर की शीट निकालकर उन बोरों पर बिछाई। एक दो बार डॉक्टर साहब ने मेडिकल कॉलेज में कुछ डॉक्टर्स के साथ असिस्टेंट के तौर पर डिलीवरी के समय काम किया था। उस अनुभव के आधार पर उन्होंने लड़की से उस रबर की शीट पर लेट जाने को कहा। लड़की बड़ी बड़ी मासूम आंखों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, इस रात मुझे मत बचाइए, मुझे मर जाने दीजिए। डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी हूँ, मेरे गांव में हाई स्कूल नहीं था इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे पास के शहर में पढ़ने भेज दिया। वहां मुझे अपने ही कक्षा के एक छात्र से प्रेम हो गया, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, पर जैसे ही मुझे महसूस हुआ मैंने बच्चे के पिता को तुरंत बताया। ये सुनते ही वो भाग खड़ा हुआ। जब तक मेरे माँ बाप को ये पता चला बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वो मुझे इस सुनसान जगह पर ले आए जैसे किसी को कुछ पता न चले। मुझे पता है बच्चे के जन्म लेते ही वो उसे मार देंगे और मेरी जिंदगी मुश्किल कर देंगे, मुझे मत बचाइए, मुझे मर जाने दीजिए। वो पसीने से भीगी हुई थी और डॉक्टर साहब भी बुरी तरह पसीने से लथपथ थे। डॉक्टर साहब बोले, मेरा काम मारना नहीं बचाना है। ये सुनते ही लड़की चुप हो गई, उसे तीखा और डराने वाला दर्द हो रहा था। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिर डॉक्टर साहब उस बूढ़ी औरत की मदद से लड़की की डिलीवरी करवा पाए। उसने पूछा, क्या हुआ है, लड़का या लड़की? डॉक्टर साहब बोले, लड़की हुई है। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही बाहर खड़े आदमियों ने दरवाजा खोला और कहा, डॉक्टर साहब अपना सामान समेट लो, हम तुम्हें वापस छोड़ आएंगे। सामान समेटते हुए डॉक्टर साहब ने लड़की से कहा, हिम्मत करो, अपनी बच्ची को लेकर यहां से भाग जाओ, पुणे चली जाओ, वहां पुणे नर्सिंग होम ढूंढ लेना।
उस नर्सिंग होम के क्लर्क का नाम है गोखले। उससे कहना तुम्हें आरएच ने भेजा है, वो तुम्हें नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने में मदद करेगा। नर्स बनकर तुम आत्मसम्मान के साथ अपनी बेटी की परवरिश कर सकती हो, आत्मनिर्भर हो सकती हो। लड़की डरते हुए बोली, पर मैं कैसे जाऊंगी पुणे, मुझे तो पता भी नहीं कि कहाँ है पुणे। डॉक्टर साहब बोले, पास के शहर बेलगांव से तुम्हें पुणे की बस मिल जाएगी। ये कहते हुए डॉक्टर साहब कमरे के बाहर आ गए। बाहर आते ही एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें 100 रुपए का नोट थमाया। उस समय डॉक्टर साहब की महीने की तनख्वाह थी 75 रुपए। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी राशि थी। रुपए देते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, गलती से भी इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, अगर मुझे पता चल गया तो तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा सर नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब ने सहमति में सर हिलाया, पर इस डरावने एहसास को महसूस करते हुए डॉक्टर साहब बोले, लगता है मेरी कैंची कमरे में छूट गई है, मैं लेकर आता हूँ, मुझे सुबह उसकी जरूरत पड़ेगी क्लीनिंग में। ये कहकर डॉक्टर साहब कमरे में चले गए। 100 का नोट लड़की को थमाते हुए बोले, बहादुर बनो, जैसा कहा है वैसा ही करना, भाग्य तुम्हारा साथ जरूर देगा। लड़की ने पूछा, आपका नाम क्या है डॉक्टर? डॉक्टर साहब बोले, आरएच कुलकर्णी है मेरा नाम। वो कमरे से बाहर आए, घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। इस एक घटना ने, गांव की पहली पेशेंट और उनकी पहली कमाई ने किस तरह डॉक्टर साहब की सोच बदल दी। क्या वो लड़की वैसा कर पाई जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था? इस घटना ने डॉक्टर साहब को एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट बनने की जरूरत महसूस करा दी, पर उनके पास अभी आगे पढ़ाई करने के पैसे ही नहीं थे। वक्त बीतता गया, उनकी शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए। 40 की उम्र पार करने के बाद उनके पास पैसे थे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन बनने के लिए वो चेन्नई चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कर्नाटका मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगे। और तो बच्चों और गरीबों के साथ उनके सौहार्दपूर्ण व्यवहार ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया था। उनके भगवान मंदिर, मस्जिद और चर्च में नहीं, उनके मरीजों में बसते थे। एक बार वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए किसी शहर में गए थे। वहां एक 30 साल की युवा स्त्री अपने गांव के अनुभवों के आधार पर मेडिकल केसेस प्रेजेंट कर रही थी। कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर साहब उस स्त्री के पास जाकर बोले, मैं तुम्हारी रिसर्च से बहुत प्रभावित हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। स्त्री ने पूछा, डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर बोले, मेरा नाम आरएच कुलकर्णी है और लोग मुझे आरएच भी बुलाते हैं। स्त्री ने पूछा, क्या 1943 में आप चंदागढ़ में थे? डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ 1943 में मैं वहीं था। वो युवा स्त्री बोली, यहां से 40 किलोमीटर दूर मैं एक गाँव में रहती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कुछ समय के लिए आप वहाँ मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हैं? इस अचानक निमंत्रण को डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा, फिर कभी। स्त्री ने फिर से आग्रह करते हुए कहा, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ समय के लिए चलिए, कोई है जो आपका वर्षों से वहाँ इंतजार कर रहा है। डॉक्टर साहब उलझन में पड़ गए, उन्होंने फिर से मना कर दिया, पर बार बार वो स्त्री विनती करती रही। आखिर डॉक्टर साहब उसके साथ जाने को तैयार हो गए। उसके घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो एक नर्सिंग होम था, जिसके लिविंग रूम में करीब 50 वर्ष की एक स्त्री खड़ी थी, जिसे देखकर युवा स्त्री चहकते हुए बोली, माँ यही है वो डॉक्टर आरएच कुलकर्णी जिनका तुम वर्षों से इंतजार कर रही थी। ये सुनते ही वो 50 वर्ष की स्त्री आई, उसने अपना माथा डॉक्टर साहब के चरणों पर टिका दिया। उसके आंसुओं की कुछ बूंदे डॉक्टर साहब के पैरों पर लुढ़क गई। कंधे से उठाते हुए डॉक्टर साहब ने जब उसे खड़ा किया तो वो बोली, मैं आपको याद नहीं, पर आपको मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी डिलीवरी शायद आपकी जिंदगी की पहली डिलीवरी थी। पर अभी भी डॉक्टर साहब को कुछ याद नहीं आया। इस पर उस स्त्री ने बिन ब्याही माँ की डिलीवरी से लेकर 100 रुपए की मदद तक की पूरी कहानी डॉक्टर साहब को सुना दी। वो पूरा वाक्या डॉक्टर साहब की आंखों के आगे चलचित्र की तरह घूम गया। वो बोली, सब कुछ बहुत मुश्किल था, पर मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। नर्स बनकर मैंने अपनी बेटी को इस सपने के साथ बड़ा किया कि वो डॉक्टर बने। आज वो गायनेकोलॉजिस्ट है और उसकी शादी भी एक गायनेकोलॉजिस्ट से हुई है। दोनों मिलकर ये नर्सिंग होम चला रहे हैं।
मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि जिंदगी में एक बार वो मुझे आपसे जरूर मिलाए, ताकि मैं आपको सही समय पर सही सलाह देने के लिए धन्यवाद दे सकूं। डॉक्टर साहब की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने देखा कि डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम है RH डायग्नोस्टिक। वो ये सोचकर मुस्कुराए भी कि कैसे थोड़े से प्रोत्साहन और सही सलाह ने उस लड़की की जिंदगी बदल दी, जिसे उसके खुद के माँ बाप अपराधी समझ रहे थे।